Next question. Question says three liquids of density D, 2D and 3D are mixed in equal proportions of weight. The relative density of the mixture is और चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं. Now सवाल आसान है. इसको यहाँ देखना कि अगर अपना केस होता है कि मोर देन टू लिक्विड्स हैं आपके और उनको सेम वेट में यहाँ पे दिया हुआ है, बट सेम वेट इज इक्वलेंट टू सेम मास. तो यहाँ पे जो हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है उसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. ये तो आपका टोटल मास हो गया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. सो उसका वॉल्यूम आप लिख सकते हैं वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. हालांकि ये आपका टोटल डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा. नाउ इस केस में क्योंकि अपने को मास तीनों बराबर दिए हुए हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं एम प्लस एम प्लस एम. और नीचे जो आपका वॉल्यूम है, आपके वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम टू, क्योंकि उनकी डेंसिटी डी टू डी और थ्री डी दी हुई है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय डी प्लस एम डिवाइडेड बाय टू डी प्लस एम डिवाइडेड बाय थ्री डी. ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी. नाउ अगर आपको एलसीएम लेने में थोड़ा सा मुश्किल होता है तो लेट्स डू इट दिस वे कि डिनोमिनेटर को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. जस्ट आपकी थोड़ी सी अगर मैथ्स में हाथ तंग है तो वो भी क्लियर हो जाएगा. सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करें, सो दिस विल बी इक्वल टू एम बाय डी प्लस एम बाय टू डी प्लस एम बाय थ्री डी. इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका सिक्स डी और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स एम प्लस ये बनेगा आपका 3m प्लस ये बनेगा आपका 2m. सो 6 3 9 10 11 सो दिस विल बी इक्वल टू 11m बाय 6d. ये आपका डिनोमिनेटर हुआ. नाउ इसको अगर हम यहाँ फिट इन कर दें, सो रो मिक्स है उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाय 11m डिवाइडेड बाय 6d. नाउ 6d ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 18d डिवाइडेड बाय 11. ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी. m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी 11 बाय 18 डी, सॉरी 18 बाय 11 डी वुड बी द राइट आंसर.